ख्वातीनों हज़रात, डॉक्टर समी अख्तर और वुमेंस हेल्थ टीवी की तरफ से खुश आमदीद। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हमने शुरू में चंद टॉपिक्स पे अपनी ख्वातीन को मालूमात दी थी और फिर कोविड की वजह से एक वक्फ़ा आ गया, उसके बाद हम यही दोबारा शुरू कर रहे हैं। आज के बाद मैं कुछ ऐसी शिकायात को लूँगा जो हमल में हो सकती हैं, उनका क्या मतलब है, क्यों ये चीज़ होती है और उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। आज जिस मौजू पे मैं बात करने लगा हूँ वो है कि हमल के दौरान ब्लीडिंग का होना। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सीरियस भी हो सकती है और मेरा ख़्याल है कि हर खातून जो हमला हो उसको अगर ब्लीडिंग हो तो वो ख़ुद भी परेशान होती है। उसके बारे में मैं आपको चंद मालूमात मुहैया करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि ये ब्लीडिंग किन वजूहात की वजह से होती है और उसके बारे में आपको क्या करना चाहिए। आसानी के लिए हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक ब्लीडिंग जो हमल के पहले 3 महीने में होती है, वो ब्लीडिंग ये इंडिकेट करती है कि प्रेगनेंसी को कोई ख़तरा हो सकता है। और ये किस वजह से होती है? ये मिसकैरेज या हमल ज़ाया होने की निशानी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ब्लीडिंग हो तो हमल ज़ाया ही हो, लेकिन ज़ाहिर है ये नॉर्मल नहीं है। कोई इसके साथ अगर पेट में दर्द हो तो ये ब्लीडिंग और कुछ ऐसी पेचीदगियाँ जैसे कि हमल ट्यूब में हो उसकी वजह से हो सकती है। ये ब्लीडिंग कोई पेट पे चोट लग जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, उसकी वजह से हो सकती है। और चंद एक और ऐसी बीमारियां हैं, जैसे एक को हम हाइड्रेटिफॉर्म मोल या अंगूरी हमल कहते हैं, उसकी वजह से हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए पहले 3 महीने में? अगर जो ब्लीडिंग हुई है सिर्फ सपोर्टिंग है तो आप जैसे ही वक्त मिले अपने डॉक्टर को जाके दिखाइए। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है आपके एक नॉर्मल पीरियड की तरह या उससे ज़्यादा, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि फौरन जाके अपने डॉक्टर को दिखाएं। आपका डॉक्टर आपका मुआयना करेगा, अल्ट्रासाउंड करेगा और उससे रिलेटेड आपको पूरी मालूमात दे के बताएगा कि ये ब्लीडिंग क्यों है और इसका इलाज क्या है। अगर इस ब्लीडिंग के साथ आपको पेट में दर्द भी है तो फिर आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। वो पॉसिबल ना हो तो किसी अच्छे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाना चाहिए कि कहीं ये ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी ना हो जो आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो ये 3 चीज़ें याद रखने की हैं। पहले 3 महीने में ब्लीडिंग जो मिसकैरेज की वजह से हो सकती है, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी हमल जो है वो ट्यूब वगैरह में हो उसकी वजह से हो सकती है, या हमल की कोई अबनॉर्मलिटी हो जैसे हाइड्रेटिफॉर्म मोल या अंगूरी हमल जिसे कहते हैं। तो इस सूरत में आपका डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है और इसको हमेशा याद रखें कि अगर इसके साथ दर्द है तो फिर इमीडिएटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ मैं चीज़ें चाहूँगा कि आपको अपने बारे में मालूम होनी चाहिए। हमल से पहले मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, उसकी बहुत अहमियत है और अगर कभी आपको ब्लड की ज़रूरत पड़े तो उसमें भी ये हेल्पफुल शामिल होता है। दूसरा ये कि आपकी हीमोग्लोबिन कितनी है, कहीं आपको खून की कमी तो नहीं है, ये हमल से पहले ही आपको पता होना चाहिए। और अगर खून की कमी है तो उसका बाज़ाब्ता तौर पे इलाज पहले से होना चाहिए ताकि कभी खुदा ना खास्ता आपको हमल में खून हो, ब्लीडिंग हो, तो आपकी खून की कमी की वजह से आपको कोई ख़तरा ना हो। तीसरा ये कि जब भी आप हमल प्लान करें उससे 3-4 महीने पहले अपने एक डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें
और मैंने ये अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा है, जिसको प्री कंसेप्शन यानी हमल से पहले की केयर कहते हैं, वो ज़रूर दिखा लें, अपनी डाइट का ख्याल रखें और कोशिश करें कि आपकी हीमोग्लोबिन बिल्कुल सही नॉर्मल लेवल पे हो जब आप प्रेगनेंसी करें। आप हमल से पहले कुछ विटामिन्स जैसे फोलिक एसिड है वो ले चुकी हों और हमल के शुरू में भी लेती रहें ताकि आपका हमल सेहतमंद हो। अब हम चलते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के 3 महीने के बाद ब्लीडिंग होती है तो उसकी मेजर वजूहात क्या होती हैं। ये वजूहात भी सीरियस हो सकती हैं और इनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। बाज़ औक़ात अगर बच्चेदानी का मुंह, जिसको अगर मैं आपको दिखा सकूं, तो ये बच्चेदानी की बॉडी है और ये बच्चेदानी का मुंह है। ये अगर वीक हो, कमज़ोर हो, तो हमल के बढ़ते बढ़ते बच्चे के बढ़ते वज़न के साथ ये थोड़ा सा खुलना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से भी हमल ज़ाया होने का ख़तरा होता है और बाज़ औक़ात ये थोड़ी बहुत ब्लीडिंग के तौर पे ज़ाहिर होता है। तो अगर ब्लीडिंग 3 महीने के बाद भी हो तो आपको अपने डॉक्टर को जाके ज़रूर दिखाना चाहिए। दूसरी एक वजह कि जो आंवल है, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, जो माँ से ख़ुराक लेके बच्चे को मुहैया करता है, बाज़ औक़ात वो अपनी जगह पे सही पे नहीं होता। मैं अगर आपको दिखा सकूं तो इस पिक्चर में ये पूरी बच्चेदानी नज़र आ रही है, ये बच्चा है और ये ऊपर के पोर्शन में 97% आंवल यहाँ पे ऊपर लगे होते हैं। कुछ 3 से 4% ख्वातीन में ये आंवल नीचे होता है। जब ये आंवल नीचे हो तो ये ब्लीडिंग दे सकता है। इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। ऐसा आंवल, ऐसा प्लेसेंटा जो अपनी जगह पे ना हो, नीचे हो। अब इसके बारे में मैं 2 चीज़ें बहुत अहम आपको बताऊंगा। अगर आपके पहले कोई ऑपरेशन नहीं हुआ और नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं या ये आपका पहला हमल है और अगर प्लेसेंटा या आंवल नीचे है तो ये वक्त के साथ साथ बाज़ औक़ात ऊपर मूव कर जाता है। तो अगर शुरू में 3 महीने के बाद आपको बताया जाए कि आंवल नीचे है और ये आपका पहला हमल है या पहले नॉर्मल डिलीवरीज हैं, तो बस एहतियात कीजिए, मियाँ बीवी का परहेज़ कर लीजिए, कोई वज़न ना उठाइए और इंशाल्लाह ये आंवल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चला जाएगा। सिर्फ 3% लोग हैं जिनमें ये नीचे रह जाता है। अगर आपका पहला ऑपरेशन हुआ है, सिज़ेरियन सेक्शन हुआ है, जिससे कि बच्चे की डिलीवरी हुई है, तो फिर सूरत हाल थोड़ी सी बदल जाती है। वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बच्चे को जब हम सिज़ेरियन से डिलीवर करते हैं तो यहाँ से कट लगता है बच्चेदानी में और यहाँ से कट लगा के हम बच्चे को निकाल लेते हैं। अगर आंवल अगले हमल में यहाँ आ जाए, नीचे हो, तो फिर उसके ऊपर जाने का चांस कम होता है, क्योंकि जहाँ से पहला ऑपरेट हुआ है वो वहाँ पे चिपक जाता है। ना सिर्फ ये, बल्कि जब डिलीवरी के वक्त नेक्स्ट डिलीवरी आपकी जो सिज़ेरियन से ही होगी, क्योंकि आंवल नीचे है, उस वक्त भी आंवल को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ये एक बड़ा सीरियस और मेजर ऑपरेशन है जो किसी तजर्बाकार सीनियर डॉक्टर से करवाना चाहिए। इस दौरान आपको ब्लड की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जो 4 बोतलों के करीब हो सकती है। बाज़ औक़ात आप ये आंवल अगर अलग ना हो तो आपकी जान बचाने के लिए बच्चेदानी को भी निकालना पड़ सकता है। तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको ज़रूर याद रखिए कि अगर आपका आंवल नीचे है और पहले नॉर्मल डिलीवरी है या पहला हमल है, तो आपके बाकायदगी से अल्ट्रासाउंड होते रहें जो कंफर्म करें कि ये ऊपर चला गया है। अगर आपका पहले ऑपरेशन से केस हुआ है और आंवल नीचे है, तो फिर बहुत रेगुलरली आप अपने किसी डॉक्टर को दिखाएं, आपका ब्लड ग्रुप पता हो, आपको पता हो किन लोगों का घर में आपके ब्लड ग्रुप से मैच करता है, आपकी खून की कमी ना हो, आपको पता हो कि कोई भी इमरजेंसी हो तो मैंने अपने डॉक्टर को कैसे कॉन्टैक्ट करना है, और
अगर आपको ये बताया जाए कि 4 से 6 खून की बोतलों की ज़रूरत होगी तो परेशान मत होइए, ये आपकी हिफाजत के लिए किया जा रहा है। अगर आपको ये बताया जाए कि अगर आंवल सेपरेट ना हो सका, अगर प्लेसेंटा अपनी जगह पे बिल्कुल जुड़ा हुआ तो शायद हमें बच्चेदानी निकालनी पड़े, ये भी परेशानी की वजह है। लेकिन आप इसके बारे में ये सोच लें कि अगर यूट्रस बच सकती हुई तो ज़रूर आपका डॉक्टर आपकी यूट्रस या बच्चेदानी को सेव करेगा, लेकिन अगर ये पॉसिबल ना हुआ सर्जिकली तो इसको निकालना पड़ सकता है। ये सब चीज़ें अपने डॉक्टर से पहले डिस्कस कर लीजिए और हर चीज़ बड़े प्लान तरीके से होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि एमरजेंसी में कहाँ जाना है। एक और तीसरी वजह बाज़ औक़ात जो हो जाती है कि आंवल अपनी जगह पे होता है, जैसे यहाँ पे ऊपर है, लेकिन आंवल के पीछे ब्लीडिंग हो जाती है जिसको हम अब्रेशो प्लेसेंटा कहते हैं, तो इसकी वजह से पेट में दर्द होता है और पेट सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, बच्चे की हरकत नहीं फील होती और ये भी एक बहुत एमरजेंसी है। सो जब भी ब्लीडिंग हो हमल के पहले 3 महीने के बाद, आपका अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन चीज़ों की वजह से ये ब्लीडिंग होती है वो काफ़ी अहम है, उनकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और आपकी ज़िंदगी उनकी वजह से ख़तरे में पड़ सकती है। मेरे इस सारी वीडियो की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कम लोगों में होती हैं और हम उनको डील भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप रेगुलरली अपने डॉक्टर को दिखाते रहें, एंटीनेटल केयर जिसको कहते हैं उसका ख्याल रखें और एमरजेंसी में आपको पता हो कि मैंने किस डॉक्टर के पास और कहाँ जाना है और कैसे दिखाना है। सो आज हम इस वीडियो के एंड की तरफ आते हैं। अगली वीडियो में मैं इसी तरह एक और टॉपिक लूँगा कि अगर जो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़े तो उसका क्या मतलब है और उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपनी सेहत के बारे में हमेशा केयरफुल रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियो जंगल।